नुपुर शर्मा जी कहाँ है, 400 पार ऐसे कैसे हो जाएगा अगर नुपुर शर्मा जी नहीं है देश में? पुष्पेंद्र कुलशेष के सर पटकने से थोड़ी हो जाएगा, वो तो सभासद भी नहीं बेचारा, उसको ये लोग एमएलसी बना देते, एमएलसी बना देते हैं यहाँ वाले कौशाम्बी कुशीनगर वाले उसको आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेज देते हैं, मुरली देवदा को लड़के को आप भेज देते हैं, मोदी वाली बीजेपी भेज देती है। अरे इनको भेज देते तो लोग जहर उगलते, कुछ छाती पीटते, इन सबको पता नहीं कहाँ कर रखा है। तो 400 पार कैसे हो जाएगा, जब 400 पार वाले महारथी नहीं है तो कैसे हो जाएगा? दूसरी बात ये बताइए कि आपने मैं या आपने ईद में मुसलमानों में कुछ सिवाई या कुछ वो क्या वो कौन सा मांस 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 कुछ खाया नहीं खाया है? देखिए कह रहे हैं हमारे हमारे पीएम साहब कह रहे हैं, हम तो वैसा खाते हैं, हम पीएम साहब कह रहे हैं कि देखिए बचपन में हमारे ईद में हमारे घर में वो आते थे सब, वही खेलते थे, हम लोग कूदते थे सब। देखिए क्या कितना सुंदर है और कितना अद्भुत लगता है, कितना सुख मिलता है जब जब झूठ का झूठ का आपको बता दें। संजीव भाई सर 19 याद कर लिए, मैं 14 की बात ही नहीं करता, और मैं फिर बोल दूंगा आज, फिर बोल दूंगा आज, मैंने कभी मोदी मैजिक माना ही नहीं। मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ, बाद दो तीन मिनट तो आप जो कोई दोगे। तो पहले 14 में अगर मनमोहन सिंह का फेलुअर ना होता, ये जी करा रहा वो तो मैं तो ये आती नहीं पार्टी, आई चलो आई ठीक है, अच्छी अच्छा भी हुआ, जल रही थी 10 साल से पलट गई। उसके बाद ये बालाकोट पुलवामा और एयर स्ट्राइक, आपने पहली बार एयर स्ट्राइक हुए सब इस देश में, कभी एयर स्ट्राइक नहीं हुई और साहब लेकिन नहीं बता पाए तब ये। अच्छा देश हमारा बड़ा इमोशनल होता है, दूध पी लेता है तुरंत, अगर आप वो झांकने लगो तो पूरा पुल झांकने लगता है, नदी झांकने लगती है, अगर आप किसी पत्थर के पीछे पड़ जाओ तो पत्थर ही को जो है भगवान बना देती है, बड़ा इमोशनल देश, इमोशनल हो गया। 19 में आ गए और बहुमत से और बहुत तगड़े से आ गए, मोदी मैजिक, पीछे अटल जी भी छूट गए, अडवाणी बेचारे किनारे पड़े गए और मोदी मैजिक, और चाणक्य भी आ गए बीच में साहब। हमने कभी माना ही नहीं, ना चाणक्य को माना ना मोदी मैजिक को माना। अब यहाँ पर बीजेपी कहती है सर हम लोग नहीं मानते, बीजेपी कहती, और मैं मोदी वाली अब मैं इसको बीजेपी नहीं कहता हूं, मैं मोदी वाली बीजेपी लड़ रही, चुनावी लड़ रही इस समय, जिसमें 40% लोग कांग्रेस के हैं। इस समय जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग जो वोट मांग रहे हैं, जो कंपेन कर रहे हैं, वो 40% लोग कांग्रेस विपक्ष के लोग हैं। तो कौन सी वाली बीजेपी हुई है, मोदी वाली हुई कि अटल जी वाली हुई, कौन सी विचारधारा वाली बीजेपी है? उतने लोग तो मांग रहे हैं, आप देख लीजिए कि आप किसी यहां से सुदूर आसाम से लेके उत्तर प्रदेश तक देख लीजिए। तो अब आइए अब योगी पे आते हैं। अच्छा तो अब आप समझिए मैं जो बात कहने जा रहा था, जिसपे हमने इतनी भूमिका बांध दी। 19 में जो वीडियो वायरल होते थे सोशल मीडिया पे, आप बताइए जब हम लोग बोलते थे कभी तो हम लोग लो काट लेते थे, देशद्रोही है, ब्राह्मण नहीं है, नकली ब्राह्मण है, फला है, और इतने इतने गाली गलौज कि मैं इस चैनल पे अगर गाली बकना शुरू कर दूं बिना उन शब्दों से, दूसरे शब्दों में, तो पसीने छूट जाए लोग, इतना गाली। अब आप देखिए वही जनता जो मोदी मैजिक के चक्कर में मोदी के चरणों में गिरी पड़ी थी, वही जनता मोदी को जो है वो बिल्कुल नाक में वो दी, जो आंख में उड़ा ली, वही जनता। अब सारे मीम तो जनता ही तो भेज रही है, केवल कोई चैनल कोई पढ़ता वो पढ़ता देखता नहीं है, अखबार कोई पढ़ता नहीं, सारे अखबार तो बिके हुए हैं, तो सारे के सारी जनता तो जो इस समय यूट्यूब गदर काटे हुए है, सोशल मीडिया गदर काटे हुए, वो चीजें आ रही हैं कि लग रहा है कि चुनाव हो गया, अभी 3 चरण बाकी है। लेकिन संजीव भाई मुझे लग रहा है चुनाव क्या होता है, एक माहौल जो बनता है, नहीं बना माहौल तो नहीं, 22 में हिंदू मुस्लिम हो गया, अखिलेश वर्सेस योगी हो गया, योगी योगी हो गए, अब की नहीं हुआ ही नहीं, सुनील जी ने चाहे नहीं, समीर भाई ने चाहे नहीं, ठाकर साहब ने चाहे नहीं, हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं, जब जनता ने नहीं चाहा तो नहीं हुआ, जनता चाहती तो अभी तक हो चुका होता, ये लोग 403 पे आ चुके होते। अब इनकी स्थिति जो है 200 पे बड़ी दिक्कत हो रही है, 200, और कसम खुदा की बता रहा हूँ मैं, सब कसम खुदा की, मतलब जो माहौल मैं जो माहौल देख रहा हूँ, जो सब देख रहे हैं जी, मुझे लगता है कि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है भाई। 50 सीटों का ही तो मैटर है, 272 चाहिए बहुमत के लिए जी, 300+ पे ये लोग हैं,
तो 30 और 20 3 2 3 जो सब मिला मिला के तो आपको 50 पे तो डेंट करना है। यहां पूरी 150 पे डेंट लिए बैठी जनता। अब जब 150 पे डेंट लिए बैठी है तो 1-to-1 तो चुनाव हो ही गया ना। पहले 1-to-1 कहां था 14 में और 19 में? चुनाव तो सीधे सीधे था कि मैं अपर हैंड नहीं, 50 चुनाव मोदी एंड पार्टी का, और नीचे वो बेचारा पप्पू बना टहल रहा था, वो गप्पू बना टहल रहा था, वो अखिलेश बिल्कुल ये हो गया था, वो तो मुसलमानों का वो फला है धमाका है। अब शहजादों को जब जैसे वो दीदी से आपका काम चल गया था, ऐसे अब हुआ क्या है? देखिए हम प्रदेश देश की हम बिल्कुल बात करते ही नहीं है, हम उत्तर देश की 80 सीटों की बात कर रहे हैं। और मैंने 80 सीटों पर पहले चरण से लेके आज तक के चरण किए, और अभी 14 चरण आने वाला है, 14 सीटें हैं। आप यकीन मानेंगे 12-13 और वो आपका 10 और 10 और 8, मतलब जिसे कहते हैं ना गरम तवे पे बिठा दो इनके, जो जिनके जो नहीं जो बनाते हैं, जो इनके पीछे जो इनका हिसाब किताब बनाते हैं, गरम तवे पे बिठा दो और सुनील भाई से पूछवा लो, सब चिल्ला भागेंगे, सब चिल्ला भागेंगे भाई साहब बचाओ बचाओ बचाओ। अब झूठ बोलने की स्थिति में भी ये लोग नहीं है, अब झूठ बोलने की भी स्थिति में लोग नहीं है, अब चुनाव। अब हाँ एक बात और कह दे, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जितनी लपोकी पार्टियां थी, लपोकी शब्द मेरा ही बनाया हुआ है, लपोकी टाइप पार्टियां थी, बीएसपी भी लपोकी हो गई। संविधान को सीने पर लगा के बीएसपी का वोटर भाग के खड़गे के पाले में आ गया, दलित खड़गे के पाले में बीएसपी वोटर 70% दे रहा उत्तर प्रदेश में, मुसलमान 90% लाठी लिए बैठा है, ओबीसी को तो शायद सूंघने को ना मिल पाए वोट, बाकी तो पीस पार्टी आरती को छोड़ दीजिए 50%। अब पांचवें चरण चौथे चरण के बाद ब्राह्मण भी थोड़ा सा दाएं बाएं अच्छा अच्छा पंडित जी हो हम भी ठीक, तो वो तो जानते ही है। ठाकरों ने अमेठी में कल शपथ ली है खुले मंच पर, कोई नेता नहीं था कि मैं हम लोग के भी, जिस लेडी ने अमेठी में शपथ ली है, वीडियो है भेज दूंगा, जिस लेडी ने महिलाओं का जो अपमान किया है, जो ठाकरों की महिलाओं का अपमान किया, रूपाला ने और फलाने और दिमाकों ने, इस रैली ने एक बार भी विरोध में नहीं बोला, इस लेडी को वोट नहीं देने, जो चाहे जिसको दे। राजा भैया ने कह दिया भैया हमसे मतलब नहीं, जो चाहे जिसको दो, तो फिर जो जाओ किसको दे देगा, आपको थोड़ी दे देगा आप, अच्छा राम को थोड़ी दे देगा, राम तो चुनाव लड़ी रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि वो जो वोट देगा वो राम को देगा नहीं देगा, वो विद्रोही पाकिस्तान को देगा, तो राम का नामांकन है कहां? राम के नामांकन वाला अरुण गोविल तो भाग गया मेरठ से चुनाव लड़के। हाँ अब चुनाव आखिरी चरण में लल्लू भाई का है जो अयोध्या से है, वो भी 400 मांग रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, वो 400 हिंदू राष्ट्र के लिए ठाकुर साहब मांग रहे हैं, और ठाकुर कस्बे खा रहे हैं, और दलित उसके नाम पे संविधान के नाम पे दलित भाग गया, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, यही वो लोग कह रहे हैं ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो राम भाई अपना मंदिर बने गया, उनका अपना हो गया काम अपना खत्म, 10 किलो बोल गए हैं खड़गे भाई, 10 किलो बोल गए आके पहली बार। तो अब हुआ क्या है, 1-to-1 चुनाव में, 1-to-1 चुनाव में पहले राम के नाम पे। एक बात बता दूं संजीव भैया, जब होली होती है, अभी होली होके गई है, होली अभी होके गई है, तो आदमी घों ढोंक के पी लेता है, चरस भी गांजा भी जितना, अब फिर होली है जहां गया देसी पीली महुआ की पीली ठर्रा की पीली, और ब्लैक डाक मिला तो ब्लैक डाक भी खींच गया जहां जैसा गया, उसका तट से नाली पड़ गया। अब नाली के बाद जब घर पहुंचा लूटते काटते तो कपड़े चले गए, घर पहुंचा तो अब 2 दिन तो आंखों से मिला नहीं पा रहा, अपनी पत्नी को अपने बाप को अपने परिवार को नहीं मिला पा रहा है, मेरे शर्मिंदा झुकाए पड़ा है कि क्या हुआ। उसके बाद जो असली बात, अब पत्नी आई, उसने कहा चैन कहाँ है, कहीं चैन कहाँ है, कहीं समीर भाई तो नहीं ले गए, उसका उसने कहा पर्स भी तो गायब है, कहीं तो ठक्कर साहब से पूछता उनके घर गए थे, उनने ब्लैक डाक पिला दी थी, उनके घर पे बुलाए होंगे, हम वो दिया था वहां पर हमने, उसका मोबाइल असली तो मोबाइल कहाँ है, मोबाइल हमारे आदरणीय अनिल जी जेब में रखे हुए हैं। हफ्ते 10-15 दिन निकलता नहीं घर से, फिर डूबता दफ्तरों चक्कर काटता कि पहले वो कराएं फिर सिम ने और फिर ये बोले। अब हुआ क्या जनता का, वो इतना नशा उतर गया चरस का, राम राम आएंगे राम आएंगे, अच्छा राम आ ही गए हैं, कोरोना का टीका लगा है ना, राम आएंगे तो राम आ ही गए, टीका लगाओ कोरोना का, राम आ गए भगवान बुलाएंगे, ये सब माहौल ऐसा बन गया है
और इसमें का राहुल का कोई वो है ना, अखिलेश का, ना ममता का, ना फला का। जनता जब खुद चुनाव लड़ती है वो राम भी बन जाती है और कृष्ण भी बन जाती है, कल्कि बन जाती है, फिर कोई उसके आगे बढ़ता नहीं है। एक बात जरूर बात है, जो मेरे मेरे पास अभी आंकड़े हैं, 1,27,00,000 लोगों ने डाउनलोड किया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। 1,32,00,000 लोग अगर डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें नौजवानों की संख्या है, तो कहीं ना कहीं तो उसको पढ़ा जा रहा है, और पढ़ा जा रहा है तो कुछ हो रहा है। अब हो कुछ भी 4 जून को, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी तो आएगा ही, तो मुझे लग रहा है मोदी तो जाएगा ही। नमस्कार जी, बिल्कुल सुशील सर, आपने बिल्कुल ठीक है। समीर आत्मज सर जो, अच्छा हाँ हाँ, एक मिनट, अरे वो असली तो जो आपने, हम अपने पता नहीं क्या पूछते चले गए योगी पे, तो आपने बोल जो आपने पूछा था उस पर आधा मिनट बोल दो, आधा मिनट हम दोबारा आ जाएंगे, नहीं तो आधा उसी में कंटिन्यू हो जाएंगे ना। देखिए योगी जी को हम मान रहे थे, सच बता दें उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा थी, है, रहेगी, लेकिन पूरे चुनाव से वो मदरसे से उतरे ही नहीं, मस्जिद से उतरे ही नहीं, गोकसी से उतरे ही नहीं, वो बुलडोजर से उतरे ही नहीं। अरे 1-6 साल में आपने क्या क्या काम कर डाले, वो मुख्तार से और अतीक से उतरे ही नहीं, वो उतर ही नहीं रहे। वो हिंदू, उनको किसी ने बता दिया है कि आप हिंदुत्व बनने जा रहे हो अभी अगले पीएम, तो आप इससे उतरो ही नहीं। और देश की जनता इससे सबसे ऊब चुकी, उतरवाना चाहती है। तो योगी जी भी संकट में है, वो गलत नहीं कह रहा है केजरीवाल, योगी हम लोगों को पहले से मालूम है। और ठाकुरों में जो ये माहौल बदला है जनरल बीके सिंह से लेके यहाँ तक, उसमें योगी जी वाला भी है कि योगी जो क्या वो मध्य प्रदेश वाले मामा का मामला नहीं आया, क्या राजस्थान वाली उसका मामला नहीं आया, सिंधिया परिवार का, तो वो तो जब यहाँ पर एक एक दिन का सभा विधायक जो है मुख्यमंत्री बन जाए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ करने में भी क्वेश्चन मार्क में योगी जी हैं। धन्यवाद।